माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, भाजपा से बजट चर्चा के ऊपर नॉर्थ ईस्ट से एक छोटा राज्य से मैं संसद के नाते चुन के आया हूँ। सिर्फ दो ही एमपी हैं और सबसे छोटा राज्य है सिक्किम के बाद, और आज मुझे बोलने का मौका दिया गया इस बजट के ऊपर। मैं इसलिए हमारे दल के सबसे बड़े नेता, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी का आभार प्रकट करता हूं, और साथ ही साथ निर्मला सीतारमण जी ने जिस तरीके से इस बजट को प्रस्तुत किया है, मैं इसका सराहना करता हूं और इसके समर्थन में खड़ा हुआ हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, शैलाजी जी बोल रहे थे, मैं सुन रहा था, नरेंद्र भाई मोदी जी ने 2014 से प्रधानमंत्री के नाते काम शुरू किया, और उस समय जो आर्थिक स्थिति देश का, 10 साल की यूपी गवर्नमेंट ने छोड़ के गया था, तो भारत का जो आर्थिक स्थिति है, जो अनुमान किया जा रहा था, तो भारत फ्राजिल 5 देशों में चले जाएंगे। और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में एक पारदर्शी आर्थिक व्यवस्था को देश में लागू किया गया, आर्थिक विषम और कोरोना के काल रहने के बावजूद भी आज जो आर्थिक सर्वे आया हुआ है इसमें 6.5% से 7% तक जीडीपी रहेगा अनुमानित है, और ये बजट एक फोकस्ड बजट है, और इस बजट में लगभग 48 लाख करोड़ का बजट पेश किया गया है। 2023-24 से लगभग 18.2% कैपिटल एक्सपेंडिचर इसमें ज्यादा है। जब कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाया जाता है, इसका मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर और जॉब अपॉर्चुनिटी बढ़ता है, और साथ साथ जो हमारे फेडरलिज्म के बारे में, स्टेट के बारे में बताया जाता है। मैं निर्मला सीतारमण जी को धन्यवाद देता हूं, आपने ऐसा बजट पेश किया जिसमें 4,82,000 करोड़ रुपए सभी राज्यों को शेयर ज्यादा जाएगी इस बजट से। इसलिए जो शैलजा जी ने दो राज्य के बारे में बात कर रहे, तो हो सकता है कांग्रेस के खाते में बिहार और आंध्र प्रदेश नहीं है, हमारे खाते में ये दोनों भी है, बाकी सब भी है। इसलिए इस बजट के माध्यम से जो सर्वांगीण विकास और उस तरफ माननीय प्रधानमंत्री जी ने रुख किया है, तेरह-चौदह के बजट जो 16 लाख करोड़ के आसपास होती थी कांग्रेस के लास्ट जो बजट है, और आज वो 48 लाख करोड़ में पहुंचा हुआ है। और इसमें
पांच साल में 4.1 करोड़ युवाओं को रोजगार कौशल अन्न अवस पर मुहैया कराया जाएगा। अभी रोजगार के बारे में बात हो रहा था, मैं आता हूं। और इसमें देश के जो 500 टॉप जो कंपनीज है जो रोजगार सृजन कर सकता है, इस 500 कंपनियों में पोर्टल के माध्यम से एप्लीकेशन लेके 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप का मौका दिया जाएगा। और हम छोटे से सुनते आए हुए हैं स्किल के बारे में, जापान के बारे में, कोरिया के बारे में, चीन के बारे में, जो वहां स्किल इतना ज्यादा है, लोग घर में बैठ के काम कर सकता है, मोबाइल बना लेते हैं, बाकी सब काम करते हैं, हर आदमी के पास काम है, रोजगार है। सुनते सुनते मेरा तो 52 साल क्रॉस के 53 में पहुंच गया हूं। किंतु माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, निर्मला सीतारमण जी को, जो आपने ऐसा एक बजट पेश किया जिससे युवाओं को रोजगार मिलने का अवसर आया है, गारंटी के साथ। मोदी के गारंटी के बारे में बात हो रहा था, गारंटी है मोदी का, अभी भी है, इस बजट में भी है। दादा, माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय कल नंदा को मैं बहुत श्रद्धा करता हूँ, दादा मेरे बड़े हैं, और मैंने उस दिन जब लोकसभा में चुन कर आया था, दादा आपने बहुत प्यार से मेरा विप्लव बोला था बंगला में, मैं आपको श्रद्धा करता हूँ दादा। जो मैं कहना चाहता हूँ, ये देखो मैं अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ एक छोटा सा राज्य से, छोटा सा गांव से आया हुआ व्यक्ति हूँ, तो मेरे बात भी सुना करो। अभी यहाँ शैलजा जी ने बोला था, जो अंतिम व्यक्तियों के बात में बारे में सुने, तो मैं तो बोलने के लिए खड़ा हूँ, मेरे तो थोड़ा बहुत शैलजा जी मुझे संरक्षण दे दीजिए। माननीय अध्यक्ष जी, हमारे यहाँ कॉलेजों में, यूनिवर्सिटीज में बड़े मात्रा में कैंपस सिलेक्शन होता है। अच्छे कॉलेज में तो 100% कैंपस सिलेक्शन होता है, किंतु किसी गांव में कॉलेज हो कि छोटे जिले में हो, उसमें कैंपस सिलेक्शन नहीं होता, 1-2% होता है। युवा पढ़ने के बाद आशा करता है मुझे कुछ मिलेगा, और मान के चलिए किसी कैंपस से 30% कैंपस सिलेक्शन हो गया और बाकी लोग रह गया 70%, इनके मन में इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स आता है, फ्रस्ट्रेशन का शिकार होते हैं, ड्रग्स का शिकार होते हैं। किंतु माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस गरीब बच्चे के लिए इसमें प्रावधान रखा, जब आपका कैंपस सिलेक्शन नहीं भी हो, किंतु हमारे देश में जो बड़े बड़े कंपनियां हैं, टफ 500 कंपनी है, उनमें आपको इंटर्नशिप करने का 100% मौका मोदी गारंटी दे रहा है। और उसमें पहले मंथ को 6,000 रुपीज और उसके बाद 1 साल तक उनको पर मंथ 5,000 रुपया करके दिया जाएगा, और उसमें उनका ट्रेनिंग होगी और उनमें क्वालिटी हो, उसी कंपनी में उनका
चयन भी हो जाएगा। आज देश में जॉब की कमी ऐसा नहीं है, पारदर्शिता का कमी है, स्किल्स का कमी है। ये जो कंपनी है जिसका अंदर स्किल है, मैंने देखा जो एक्सपीरियंस है, वो आज इस कंपनी में है, कल उस कंपनी में चला जाता है, यहां छोड़ देता वहां चले जाते हैं। किंतु गरीब बच्चे जिसके पास एक्सपीरियंस नहीं होता, जिसका कैंपस सिलेक्शन नहीं होता, आज नरेंद्र भाई मोदी वहां खड़े हैं, जो मैं गार्जियन हूं, मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं गरीब के साथ हूं, मैं एससी के साथ हूं, मैं एसटी के साथ हूं, मैं दलित के साथ हूं, इस बजट में वो दर्शाता है। लंबे समय कांग्रेस का राज था, किंतु कांग्रेस ने कभी भी उस दृष्टि से युवाओं को देखा ही नहीं। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये बजट शिक्षा, रोजगार, विकास के लिए 1.48 लाख करोड़ का प्रावधान रखा गया है। यहां से उठ रहा था, बोले कुछ व्यवस्था ही नहीं है, बड़े मात्रा में रखा गया है। महोदय, इस बजट में किसानों के लिए बजट जो है 1.52 लाख करोड़ रुपया रखा गया है। किसान की बात बोल रहे थे शैलजा जी, मैं बताता हूं, सिर्फ बजट इसमें 1,52,000 करोड़ रुपए है, किंतु इसमें किसानों के लिए फर्टिलाइजर में सब्सिडी भी 1.75 लाख करोड़ है एक्स्ट्रा, वो भी किसान के लिए जा रहा है। और महोदय, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में पिछले 10 साल में 2014 से 2023 तक लगभग 14 लाख करोड़ एमएसपी में दिया गया है, 14 लाख करोड़ एमएसपी में दिया गया है। शैलजा जी, जिस हरियाणा के बारे में बात कर रही थी, आपके हरियाणा में सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के सरकार एमएसपी दिया जाता है किसान को। आपने एयरपोर्ट के बारे में बोला, हिसार में एयरपोर्ट तैयार हो चुकी है, आप वहां से चढ़ सकते हैं, जरूर। आप ज्यादा हरियाणा को जानते कि आप उसमें जन्म लिया है। और मैंने जब दिल्ली में नया नया आया था, तब आप मंत्री थी, आपको कैसे मालूम चलेगा, आपको मैं आदर सम्मान करता हूं। आज आपने जिस तरीके से शुरुआत किया, निर्मला जी को धन्यवाद देते हुए, एक अलग ही गेस्चर है, मैं इसका सराहना करता हूं। अध्यक्ष महोदय, आज नरेंद्र भाई मोदी जी के किसान के प्रति जो काम करने का तरीका है, उसी कारण से भारत आज दुग्ध उत्पादन में दुनिया में नंबर वन है। कैसे हुआ? किसान के लिए नहीं काम करता, पहले कांग्रेस के जमाने में तो नंबर वन में था नहीं, था क्या? जरा मुझे डेटा दिखा दीजिए, मैं अध्यक्ष जी को बोलता हूँ, डेटा मांग लीजिए। 2014 के पहले दुग्ध उत्पादन में देश का स्थिति क्या थी? आज दुग्ध उत्पादन में नंबर वन है, मोटे अनाज उत्पादन में नंबर वन है, चावल और गेहूं उत्पादन में नंबर टू है,
तो मोदी जी ने काम नहीं किया किसानों के लिए। फल ये जो खेती में फलन कहां से आता है? पाकिस्तान से तो नहीं आता होगा। और हरियाणा में एक बात बताओ, ये बंगाल और बंगाल में महिला सदस्यों का क्या है आपका? ये सौजा टोक रही है आपको बंगाल में? बंगाल वाले सौजा क्यों टोक रहे हैं? बंगाल वाले टोक नहीं रहे, बंगाल वाले मैं तो बंगाल में जवाब दे दो इनको ना। मुझे 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 दादा उत्साहित कर रहा है। प्लीज इनको बंगाल की भाषा में जवाब दे दो। दे देंगे दादा, मैं बंगाल में जाना नहीं चाहता, आप लेके क्यों जाना चाहते हो? दादा बोल 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 बोल, बोल, बोल। तो कलंदा महोदय, नरेंद्र भाई मोदी ऐसा एक प्रधानमंत्री है जब किसी बच्चे का जन्म होता है, माँ और बच्चे के साथ प्रधानमंत्री मातृ पुष्टि बंधन योजना को लेके खड़ा हो जाता है। और जन्म के बाद उस माँ के लिए बच्चे के लिए उज्ज्वला योजना के माध्यम से गैस के चूल्हा फ्री में, सौभाग्य योजना के माध्यम से गरीब लोगों को बिजली फ्री, प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से घर फ्री, प्रधानमंत्री शौचालय योजना के माध्यम से शौचालय फ्री, तबीयत खराब हो तो आयुष्मान भारत योजना के माध्यम से 5 लाख का इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, दुनिया के सबसे बड़ा हेल्थ इंश्योरेंस नरेंद्र मोदी लेके आए हैं। और घर से निकलना है तो अटल जी ने इसको शुरुआत किया था, प्रधानमंत्री सड़क योजना के माध्यम से अपने घर से पक्के रास्ते में चल सकता है। साथ साथ घर में पानी का व्यवस्था, जल जीवन मिशन के माध्यम से हर घर में पानी का मुफ्त पहुंचाने की व्यवस्था प्रधानमंत्री जी ने किया। खाने के लिए गैस के चूल्हा में कुछ होना चाहिए, उसके लिए फ्री मुफ्त राशन 80 करोड़ लोगों को दिया जा रहा है, अगले 5 साल तक चलेगा। तो मैं कहना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष महोदय, जन्म के समय भी मोदी जी है, खाना पकाते समय मोदी जी है, घर में रहने का व्यवस्था भी मोदी जी है, रास्ते में चलने के लिए मोदी जी है, नेशनल हाईवे के स्पीड में बनाने के लिए मोदी जी है। और उसका परिणाम आज 25 करोड़ फैमिली देश का गरीबी रेखा से ऊपर उठ के मध्यम वर्ग में पहुंच गया है। अब वो लोग नहीं चाहते कि भाई गरीब मध्यम वर्ग में पहुंचे, नहीं क्या करूं मैं। शरद जी बोल रहे थे बीसी के लिए, SC ST 1-2 के लिए क्या किया गया है, ये जो अंत्योदय और गरीब लोग है ना, ये चीज उन्हीं लोगों को ज्यादा मिलता है। और मैं त्रिपुरा में जब मुख्यमंत्री के नाते काम कर रहा था, माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में मैंने और एक स्कीम भी लागू किया था, जीवन भर तो सब स्कीम है, घर भी है, मकान भी है, रास्ता भी है, बिजली भी है, पानी भी है, खाना भी है, चावल भी है, अनाज भी है, और उसके साथ मरने के बाद अंत्योदय परिवार का किसी सदस्य का त्रिपुरा में मृत्यु हो जाता है, अंतिम संस्कार के लिए 2000 रुपया सरकार देता है मोदी जी के नेतृत्व में, और मरने के बाद भी उसमें अपने आत्मीय परिजन के लिए स्मृति वन मैंने बनाया, वहां अपने पिताजी माताजी के नाम से स्मशान में एक पेड़ पौधे लगा दीजिए, उस पौधे में लोगों को ऑक्सीजन देने का काम भी, राहुल गांधी को भी ऑक्सीजन मिलता है, हम लोगों को भी ऑक्सीजन मिलता है, उसका व्यवस्था भी मोदी जी ने ही किया है मेरे मित्रों। माननीय अध्यक्ष महोदय, शैलजा जी महिला है, हमारे
वित्त मंत्री भी महिला है, इंदिरा गांधी महिला प्रधानमंत्री, और उसके बाद सोनिया जी यूपी के 10 साल सरकार में यूपीए के चेयरमैन, मिश्रा जी यहां बैठी हुई थी, अभी नहीं है, है मिश्रा जी, हाँ उधर बैठे मेरे बहन, आपके पार्टी के लोग उस समय सोनिया जी 33% रिजर्वेशन का बिल लाना चाहते थे, फाड़ के फेंक दिया था स्पीकर के सामने। दो दो महिला इंदिरा गांधी जी और सोनिया जी इतना प्रभावशाली और यूपी के चेयरमैन होते हुए चाहने के बावजूद भी महिला के लिए आरक्षण 33% नहीं लाया जाया। और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में मैं गर्व करता हूं, दोनों हाउस में महिला आरक्षण बिल लाने में सफल रहा और करके दिखाया। और 2026 में उसमें 33% रिजर्वेशन ला के 29 में वही महिला बहनों को दोनों इस हाउस में लाया जाएगा। मेरे मित्रों, एसजी ग्रुप आज 10 करोड़ बहने एसजी ग्रुप में काम करते हैं। 10 करोड़ बहने एसजी ग्रुप में काम करते हैं, रोजगार करते हैं, स्वरोजगारी बने हैं। ड्रोन दीदी, अरे ड्रोन हम लोग शहर के लोग चलाएंगे, इसके बारे में भी आइडिया नहीं है। आजकल गांव में बैठे एसजी ग्रुप में महिला ड्रोन चलाता है, किसानों के फसल को देखभाल कराता है, वह फर्टिलाइजर देने का व्यवस्था करता है। क्या कभी किसी गांव में किसी महिला ने कभी सोचा था मैं ड्रोन चलाऊंगी? आज और बजट में 400 करोड़ रुपया दिया है। अब मेरे बहनों ड्रोन नहीं चलाएगा, आपको प्लेन दिया जाएगा, चिंता मत करो, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में आता हूं, मात्र कांग्रेस के शासन में 9 एयरपोर्ट था, आज माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में नॉर्थ ईस्ट में 16 एयरपोर्ट करके दिया। और नॉर्थ ईस्ट के सभी राज्यों में हमारे रेलवे मंत्री बैठे हुए थे, सभी राज्य में रेल कनेक्टिविटी लाने वाला माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस के लंबे समय शासन नॉर्थ ईस्ट में रहा है। करप्शन के ऊपर करप्शन, स्कैम के ऊपर स्कैम, इसके बाहर कुछ नहीं किया, मैं सब कुछ आपके सामने रखने वाला हूं। मेरे अध्यक्ष महोदय, और इस बजट में 3 लाख करोड़ दादा बोलछी तो दादा बोल ले बांग्लादेश बोलो, 3 लाख करोड़ रुपए के प्रावधान महिला के लिए और उनके स्कीम के लिए इस बजट में रखा गया है। इसका मतलब किसान के लिए भी है, महिला के लिए भी है, युवा के लिए भी है, और हमारे आम जनता के लिए भी है। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, यहां संविधान की बात उठता है, संविधान लेके शपथ ग्रहण करना पड़ता है। 70 बार कांग्रेस में देश में 356 लगा के इस संविधान को हत्या किया हुआ है। दादा आप बोलते हो ममता दीदी ने भी कांग्रेस को इसीलिए छोड़ा था, सीपीएम के साथ छोड़ा था, क्योंकि कुछ तरबूज दीदी के साथ थी, इसीलिए दीदी ने छोड़ दिया और छोड़ के तृणमूल कांग्रेस बनाया। और दीदी को
एक कांग्रेस और कम्युनिस्ट के लोगों ने कम्युनिस्ट के सत्ता के समय दीदी को माता फटा के 28-29 छिली लगी थी। दीदी को एक कम्युनिस्ट और कांग्रेस आज जो साथी है वही लोगों ने स्ट्रेचर पे दीदी को एक रिक्शा वाला ने उठा के लाया था। मैं झूठनी दादा, मैं सच बता रहा हूं, आज उनके साथ आप बैठे हो। जिसने दीदी का माथा फटाया उसके साथ बैठे हो। दीदी देख रहा है, इसलिए दीदी बंगाल में कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, इसलिए बंगाल में दीदी में दम था, इसलिए इन लोगों के साथ नहीं किया। आप इनके साथ बैठे हो दादा। दादा आपको यहाँ सुंदर नहीं लगता, दादा आप इधर बैठो। कल्याण दादा, नाम कल्याण है, कल्याण करो, इधर आओ। और मोदी के साथ ही कल्याण कर सकते हो, यहाँ बैठ के नहीं कर सकते। यहाँ एक परिवार से गांधी परिवार का कल्याण करने वाले लोग हैं, इसलिए मैं जिस स्टेट से आता हूँ, त्रिपुरा सुन लो माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं जिस स्टेट से आता हूँ उसमें भी एक बार मिडिल में कम्युनिस्ट के मिडिल में कांग्रेस के सरकार आई थी। अपने ही सरकार राष्ट्रपति शासन जारी करके कांग्रेस ने वहां सीपीएम को बैठाया अपना मित्रता रखने के लिए, और वहां मेरे छोटा सा स्टेट में राष्ट्रपति शासन लागू किया और बैठा दिया सीपीएम को। ये काम क्या है माननीय अध्यक्ष महोदय? मनमोहन सिंह जी 10 साल तक देश के प्रधानमंत्री रहे हैं, 10 साल तक प्रधानमंत्री रहे हैं, और इस 10 साल में असम से राज्यसभा एमपी रहे वो, गोगोई जी यहां बैठे हुए असम से ही राज्यसभा एमपी रहे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह 10 साल, किंतु नॉर्थ ईस्ट में एक बार भी नहीं गए। मेरे स्टेट में तो मैंने फोटो भी नहीं देखा उनका। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आप तक नॉर्थ ईस्ट में 90 बार जा चुके हैं, मंत्रिपरिषद तो बैठे हुए 700 बार नॉर्थ ईस्ट में प्रवास किया है, और आज नॉर्थ ईस्ट के राज्य 85% ज्यादा किसी जो उत्पाद को एक्सपोर्ट करता है। मेरे में अध्यक्ष महोदय महोदय संविधान की बात करता है, 75 में इमरजेंसी लगाने वाला कौन है? इमरजेंसी कौन लगाया था, किस लिए लगाया था? देश में इमरजेंसी कब लगता है? जब देश में कोई खड़ा होता है, देश में कोई डिजास्टर होता है, कोई युद्ध होता है। किंतु 75 में क्यों इमरजेंसी लगा, किस कारण से लगा? एक व्यक्तिगत, एक परिवार, एक व्यक्ति के लिए इमरजेंसी लगा दिया गया। भारत जैसा गणतंत्र का हत्या करने वाले संविधान लेकर घूमता है, इस देश को इमरजेंसी, एक परिवार के लिए, एक इंदिरा गांधी के लिए इमरजेंसी लगाया गया। देश में युद्ध नहीं था, देश में खड़ा नहीं था, फ्लड नहीं थी। वो लोग बोलता है संविधान की बात, बाबा साहब अंबेडकर को इलेक्शन में हराने का काम किया है कांग्रेस ने, हाउस में जाने नहीं दिया। और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मैं सलूट करता हूं कि आपने पंच तीर्थ बना के इनको जवाब दिया जो हम सबके साथ है। इस देश के जॉब की कमी नहीं है, इस देश के स्किल का कमी है, और स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री भी नरेंद्र भाई मोदी जी ने ही बनाया था, और राजीव प्रताप रूडी जी मेरे मित्र यहां बैठे हुए थे, वह पहला मंत्री बने थे। कोई बात नहीं, अभी गोगे जी के साथ हूं मैं, आपको अभी मैं जनता ने जोशी जी यही बात बोल के क्यों दुख देते हो, जनता ने हटाया इनको,
तीन बार मिला के तीन इलेक्शन मोदी के सामने हारे हैं, तीन बार मिला के भी 240 नहीं हुआ। हमारे 400 के लिए चिंता, मैं देखता हूँ वहां बैठ बैठ के इतना 400 के चिंता, इतना चिंता है। मैं अभी तो इतना चिंता नहीं किया, बाद में आपके चिंता के कारण हमारा चिंता भी हुआ। मेरे लिए हमारे पार्टी के लिए इतना सोच रखते हैं, 400 पार क्यों नहीं हुआ? माने अध्यक्ष महोदय, ये 400 पार करेंगे, 2047 तक भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का गवर्नमेंट रहेगा, 400 पार करके जनता आपको जवाब देगा, देगा जवाब। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, त्रिपुरा का मैं सीएम रहा हूं, मेरे बात गोगोई जी, मैं एक बात, माननीय अध्यक्ष जी, मैं उस पार्टी से बिलोंग करता हूं। मैं आपसे आग्रह करूंगा, आप बैठे बैठे कोई व्यक्ति अगर कुछ बोले तो उसका जवाब मत दो। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं ये बताना चाहता हूं, जब मैं जिस पार्टी से आता हूं, भारतीय जनता पार्टी, उस पार्टी ने मुझे 8 साल मेरे पॉलिटिकल करियर है उसमें से मुझे प्रदेश अध्यक्ष बनाया, एमएलए बनाया, चीफ मिनिस्टर बनाया। किसको स्पष्टीकरण दे रहे हो आप? मैं इसलिए देता हूं, इनको स्पष्टीकरण मत दो, चलो आप बजट में बोल लो आप। इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, नॉर्थ ईस्ट में लंबे समय इंसर्जेंसी रहे हैं, मोदी जी के नेतृत्व में बोरोलैंड का समाधान हो, नागालैंड का समाधान हो, 60% नॉर्थ ईस्ट में आपसा खत्म करने का काम हो। और माननीय अध्यक्ष महोदय, आपको जानने के बाद बहुत दुख होगा, मेरे राज्य त्रिपुरा में अपने ही देश के जो जनजाति है, मिजोरम से डिस्प्लेस होकर 1998 में त्रिपुरा में रिफ्यूजी जैसा 23 साल रहे हैं, कांग्रेस और कम्युनिस्ट के सरकार रहे, केंद्र में मिलीजुली सरकार रहे है, एसटीएससी की बात करता है, रिफ्यूजी कैंप पे 23 साल रहना पड़ा 36,000 फैमिली को, इनको ना पढ़ाई का ना वोटाधिकार कुछ भी नहीं था, जनजाति है, एसटी है, गरीब है, और इनको हक दिलाने का काम, स्थायी रूप से त्रिपुरा में रहने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने 600-700 करोड़ रुपए के पैकेज देके किया है। मेरे मित्रों, अध्यक्ष जी, ये कोई छोटी बात नहीं है, 23 साल तक आपने देश में कोई रिफ्यूजी बन के रहता है, क्या कर रहे थे केंद्र में सरकार? त्रिपुरा में कम्युनिस्ट के सरकार, इनके एक समय 5 साल मिलीजुली सरकार थे, सपोर्ट था, किंतु इस जनजाति के लिए, ये एसटी समाज के लिए काम नहीं किया गया है। त्रिपुरा में लंबे समय इंसर्जेंसी थे, एनएलएफटी को सरेंडर करने का पद्धति अमित भाई शाह गृह मंत्री जी ने करवाया, इसलिए नॉर्थ ईस्ट की बात हो और पूरे देश की बात हो, माननीय प्रधानमंत्री जी ने हर क्षेत्र में पिछले 10 साल में काम किया और उसका परिणाम जो मैंने शुरू में कहा, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर 18.2% बढ़ा है, ऐसे नहीं बढ़ा है, उन्होंने काम किया है इसलिए बढ़ा है। और मैं विश्वास करता हूं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अगले 3 साल के अंदर आज जो दुनिया के 5th इकोनॉमी है और वो 3rd इकोनॉमी में चले जाएंगे। सरकार बचाने का इतना चिंता है, सरकार बचाने का इतना चिंता है, माननीय अध्यक्ष महोदय, इस बजट को शैलेश जी ने बोला कुर्सी बचाओ बजट,
इसका मतलब बिहार और आंध्र प्रदेश कांग्रेस को जरूरत ही नहीं है। ये बजट सबके लिए किया गया है, मैंने आपको बताया तो लगभग 5.25 लाख करोड़ शेयर स्टेट गवर्नमेंट को अलग अलग स्कीम के माध्यम से सभी राज्यों को जाएगी। इसमें ये सब दो राज्य में नहीं जाने वाला है। इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय, इस बजट के माध्यम से जिस तरीके हर वर्ग के लिए काम किया है निर्मला सीतारमण जी ने और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, एक सशक्त बजट, युवाओं के बजट, महिलाओं के बजट, गरीबों का बजट और मनरेगा के बारे में बातचीत चल रहा था। मनरेगा में 25,000 करोड़ रुपए बढ़ाए गए इस बजट में, जरा देख लीजिए, पढ़ के पूरा पढ़ लीजिए। इसलिए अंतिम व्यक्ति हो और हम लोग संसद में बैठे हुए सब लोग हैं, सबके लिए नरेंद्र मोदी जी ने इस बजट में काम किया है। मेरे अध्यक्ष जी, मैं मानता हूं मोदी जी के नेतृत्व में जो काम शुरू हुआ 2014 में और अगले 2047 तक एनडीए के गवर्नमेंट रहते हुए देश को दुनिया के नंबर वन इकोनॉमी और देश को एक नया ऊंचाई देने का काम जो रविंद्रनाथ टैगोर ने सोचा था, जो स्वामी विवेकानंद ने सोचा था, अभी दादा को अच्छा लगा टैगोर आया दादा। मैं बताता हूं, बंगाल में, हमारे बंगाल में सतीदाह प्रथा का माननीय सदस्य प्लीज बंगाल में माननीय सदस्य मीसा जी, आप सदन की नेता भाषण दे लेना, बैठे बैठे टिप्पणी बहुत कर रही हो आज, भाषण में नाम नहीं देती हो अपना। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आज एक बात आपको बताना चाहता हूँ, की जवाब नहीं देंगे, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। स्वामी दयानंद सरस्वती समाज सुधारक के नाते जाना जाता है कि कुसंस्कार को खत्म किया है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर को विधवा विवाह के लिए जाना जाता है समाज सुधारक के नाते, राजा राममोहन को जाना जाता है समाज सुधारक के नाते, क्योंकि सतीदाह प्रथा रद्द किया है। मैं आज माननीय प्रधानमंत्री से आर्थिक सुधार नहीं किया, समाज सुधारक के नाते भी काम किया, उन्होंने भी 3 तलाक खत्म करके समाज को सुधार के रख दिया मेरे लिए। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री से आर्थिक सुधार नहीं किया, माननीय प्रधानमंत्री जी ने समाज सुधारक के नाते भी काम करके इस देश के समाज को सुरक्षित रख के दिखाया। स्वच्छ भारत की बात, शैलजा दीदी स्वच्छ भारत की बात कर, स्वच्छ भारत, इस स्वच्छ भारत के कारण से आज हम भारत के लोगों का एक स्वभाव बदला है। मैं भी छोटा रहा तो बस से जाता था तो बिस्किट खाया तो बाहर ही फेंकना जरूरी, माँ शिक्षा दे बाहर फेंको, बस में मत रखो। आज मैं जब देखता हूँ कोई बच्चे गाड़ी में जाता है, रास्ते में चलता है तो कुछ भी रास्ते में नहीं फेंकता है, और नरेंद्र मोदी जी के स्वच्छ भारत मानसिकता कारण से पूरे समाज में परिवर्तन हुआ है। और साथ ही साथ स्वच्छ भारत वही नहीं है, डिजिटाइजेशन है, स्वच्छ भारत के माध्यम से करप्शन को खत्म किया है और करते रहेंगे नरेंद्र मोदी, और उससे बड़े मात्रा में भारत के लोगों को लाभ हुआ है। स्वच्छ भारत सिर्फ झाड़ू मारना नहीं, स्वच्छ भारत करप्शन को खत्म करना है, और नरेंद्र मोदी जी ने करप्शन खत्म करके एक नया आयाम कायम किया है। इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस बजट को सपोर्ट करता हूँ, समर्थन करता हूँ, और इतना बेहतरीन बजट के लिए माननीय प्रधानमंत्री और निर्मला सीतारमण जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप सबको भी धन्यवाद।